नमस्कार, ये एमएसटीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस संक्रमण से बुधवार को एक साथ 1800 मरीजों को मुक्ति मिल गई। इस तरह देश में अब तक एक तिहाई अर्थात 25,806 मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। बुधवार को कोरोना वायरस के 3,874 मामले सामने आए और पीड़ितों की संख्या 70,903 हो गई। इनमें से 2,473 की मौत हो चुकी है। इस प्रकार भारत में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या चीन से मात्र 5,000 कम है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में संक्रमण के सर्वाधिक 1,495 मामले सामने आए और 54 लोगों की मौत हो गई। भारत में तमिलनाडु में सबसे ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन मरीज सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में मिल रहे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार में मरीजों की दर बढ़ रही है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड में कम हो रही है। कोरोना वायरस का संक्रमण एयर इंडिया और रेलवे में भी पहुंच गया है। एयर इंडिया के कैबिन क्रू मेंबर के कोरोना वायरस पाए जाने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट स्थित सेंटूर होटल का एक हिस्सा सील कर दिया गया है। वहीं रेल मंत्रालय के आरपीएफ डीजी ऑफिस कर्मी के संक्रमित मिलने पर 2 दिन के लिए रेल भवन सील कर दिया गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में कोरोना वायरस संक्रमण के 41 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से ज्यादातर कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड से हैं। वहां बीएसएफ के 13 और जवान संक्रमित हैं। दिल्ली पुलिस ने तबलीगी जमात के 700 विदेशी सदस्यों के पासपोर्ट समेत अन्य कागजात जब्त कर लिए हैं। स्पेशल ट्रेनों में 22 मई से वेटिंग टिकट भी मिलने लगेंगे। वेटिंग की अधिकतम सीमा भी तय कर ली गई है। जल्द ही पहले की तरह सभी श्रेणियों को मिलाकर भी ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए बुधवार को पहली बार जजों ने बिना जैकेट, कोट और गाउन के सुनवाई की। प्रधान न्यायाधीश का कहना है कि इनसे कोरोना वायरस का खतरा है। उन्होंने नया ड्रेस कोड जारी किया। सारी दुनिया में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या 43 लाख पहुंच चुकी है। इनमें से 2,95,728 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 16 लाख मरीज ठीक भी हो चुके हैं। चीन पर प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिकी संसद में विधेयक प्रस्तुत किया गया है। यह विधेयक 9 सांसदों के समूह ने प्रस्तुत किया। इसमें कहा गया है कि अगर चीन कोरोना वायरस के कारणों की पूरी जानकारी नहीं देता है और इस पर काबू करने में सहयोग नहीं करता है तो अमेरिका के राष्ट्रपति को चीन पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी जाए। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।